शिवपुरी नामक गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपना घर खर्च चलाने के लिए भीमा पानी पूरी की रेडी लगाता था। उसके पानी पूरी पूरे गांव में बहुत मशहूर थे। सभी लोग चटकारे लेकर उसके पानी पूरी और चाट खाते थे। अरे दो प्लेट पानी पूरी पैक कर दो, मेरी बीवी और बच्चों ने फरमाइश की है, उन लोगों को तुम्हारी पानी पूरी बहुत पसंद है, हर थोड़े दिनों में मुझसे फरमाइश करते रहते हैं, अभी लगा देता हूँ। अरे भाई हमें भी पानी पूरी लगा दो, तुम्हारी पानी पूरी में ऐसा गजब का स्वाद है कि खाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। इस तरह गांव के सभी लोग भीमा की पानी पूरी के शौकीन थे और भीमा बहुत साफ तरीके से अच्छी पानी पूरी बनाता था जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। पानी पूरी से होने वाली कमाई से भीमा का घर अच्छे से चल जाता था। उसकी बीवी और बच्चे का सभी खर्च आराम से निकल आता था। इसी तरह भीमा की जिंदगी शांति से बीत रही थी। एक दिन भीमा का पुराना दोस्त रानू उससे मिलने आता है। भाई भीमा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे रानू, तुम्हें इतने दिनों बाद मेरी याद कहाँ से आ गई? तुम तो जब से गांव से गए हो लगता है हमें भूल ही गए, ना कोई चिट्ठी ना मिलना, कहाँ गायब हो गए थे? अब मैं आ गया हूँ ना तुमसे मिलने, बस शहर में कुछ काम खोला था उसी में फंस कर रह गया, परंतु वहाँ मुझे कुछ नुकसान हो गया इसलिए गांव वापस आना पड़ा। और तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे सब भगवान की कृपा है, भगवान की दया से मेरी पानी पूरी की रेड़ी बहुत अच्छी चल रही है और उससे जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है उसी से मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाती है। तुम कल मुझे चौक पर मिलना जहां मैं रेड़ी लगाता हूं। ठीक है। भीमा से मिलने के बाद रानू अपने घर वापस लौट जाता है और अगले दिन वहीं पहुंच जाता है जहां भीमा अपना ठेला लगाता है। भीमा के आते ही पूरी लेने वालों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते सारी पानी पूरी बिक जाती है। यह सब देखकर रानू बहुत हैरान होता है और भीमा से कहता है, अरे भीमा, तुम्हारी पानी की पूरी तो बहुत ही मशहूर है, हाथों हाथ सारा सामान बिक गया, पर तुम कीमत बहुत कम लेते हो, यदि तुम अपना मुनाफा बढ़ा दो तो तुम्हें बहुत पैसा मिल सकता है। अरे मुझे ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस घर का खर्चा चलता रहे और यूं ही लोग मुझसे सामान लेते रहें, मुझे और क्या चाहिए। चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे, वरना और कोई होता तो इससे दुगनी कमाई करता। रानू के मन में भीमा की कमाई देखकर बहुत लालच आ जाता है और वह उसी लालच को भीमा के दिमाग में भरने की सोचता है। कुछ दिनों बाद रानू फिर से भीमा से मिलने जाता है। अरे भीमा भैया, और सुनाओ क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? भीमा थोड़ा उदास दिखता है और रानू से कहता है, क्या बताऊं भैया, पिछले दिनों बारिश में मेरे घर की छत टूट गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे ठीक करा दूं, और घर में अम्मा भी बीमार है, अब छत की मरम्मत कराता हूं तो उनके इलाज के पैसे खत्म हो जाएंगे और नहीं कराता हूं तो बारिश में हम सभी बीमार हो जाएंगे, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आता, आए दिन कोई न कोई खर्चा आता ही रहता है, पर कमाई इतनी नहीं है कि बचत हो जाए। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपनी कमाई बढ़ाओ। वह कैसे? देखो, अपने सामान के लिए बहुत ही अच्छा किस्म का ही आटा यूज करते हो जो कि महंगा आता है, यदि तुम सस्ता सामान लेकर अपनी पानी पूरी बनाओ तो तुम्हें मुनाफा ज्यादा होगा, और यदि मुनाफा ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी कमाई भी होगी जो कि बुरे समय में तुम्हारी ही काम आएगी। कहे तो तुम सही रहे हो। भीमा के दिमाग में रानू की बातें घूमती रहती है और वह लालच में आकर घटिया सामान लेना शुरू कर देता है। जो सामान भी उसे सस्ते दाम में मिलता है वह वही खरीद कर पानी पूरी बनाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होने लगता है। भीमा कुछ दिनों बाद रानू से मिलता है और उससे कहता है, यार तुमने तो बहुत ही अच्छी सलाह दी, अब मैं काफी सस्ते किस्म का घटिया सामान ही ले लेता हूँ और उसी से पानी पूरी तैयार करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लोग तो खाते ही हैं। इससे मेरा मुनाफा बढ़ गया जिससे मेरी बचत भी होने लगी, अब मेरी अम्मा का इलाज भी हो रहा है, घर की मरम्मत भी हो गई, बुरे वक्त के लिए चार पैसे बचाने हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है और सभी ऐसा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है।
इस तरह से भीमा के मन में लालच बढ़ता जाता है और उसे घटिया सामान लेकर बेचने में ज्यादा मुनाफा होने लगता है। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। एक दिन भीमा बाजार से पानी पूरी का सामान लेने जाता है। भैया जल्दी से घी और 5 किलो मैदा दे दो। हाँ, थोड़ा सस्ता सामान ही देना। भीमा घटिया क्वालिटी का सस्ता सामान लेकर घर आ जाता है और उससे ही पानी पूरी बनाकर अगले दिन बेचने चला जाता। भीमा मन ही मन सोचता है, मैं तो पागल था जो इतना महंगा और अच्छा सामान लेकर पानी पूरी तैयार करता था। अब लगभग आधी कीमत में ही सामान तैयार हो जाता है और मुनाफा दोगुना हो गया है। भला किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, सभी लोग वैसे ही चाव से मेरी पानी पूरी खाते हैं। एक दिन भीमा की पानी पूरी खाने के बाद गांव के कुछ लोगों की हालत खराब होने लगती है। एक व्यक्ति शिकायत करता है, अरे भीमा, कल मैंने तुम्हारे यहाँ से पानी पूरी खाई और घर भी ले गया, परंतु उसको खाने के बाद मेरी और मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सफाई से अच्छे से बनाता हूँ, कोई और कारण होगा तबीयत खराब होने का, वरना मेरी पानी की पूरी तो बहुत से लोगों ने कल खाई थी। तभी गांव में और भी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और पता चलता है कि जिस जिस ने भी भीमा के यहाँ से पानी पूरी खाई उन सबकी तबीयत खराब हो गई। वह लोग मिलकर भीमा के घर पहुँचते हैं। अरे भीमा, कल जिस जिस ने तुम्हारी यहाँ की पानी पूरी खाई उसकी तबीयत खराब हुई है। हम तुम्हारी शिकायत पंचायत में करने जा रहे हैं। जरूर तुम्हारे सामान में कुछ गड़बड़ थी। इस तरह से सब लोग पंचायत में भीमा की शिकायत करते हैं। उसकी रेडी से पानी पूरी खाना बंद कर देते हैं। भीमा का काम ठप पड़ जाता है और उसकी कमाई बिल्कुल बंद हो जाती है। मेरे ठेले से अब कोई पानी पूरी खरीद नहीं रहा। सभी को शक हो गया है कि मैंने ही कोई मिलावट की है। यदि ऐसा ही रहा तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। आपने ही लालच में आकर सस्ता और घटिया सामान लेना शुरू कर दिया था, तो इसका नतीजा यही निकलना था ना। पहले चाहे मुनाफा कम था पर हम इज्जत की 2 रोटी खा रहे थे, अब तो हम लोगों की कमाई भी बंद हो गई और पूरे गांव में फोटो लग रही है। मैं उस रानू की बातों में आ गया था, वरना तो कभी भी मेरे मन में सस्ता और घटिया सामान लेने का विचार नहीं आया। उसके कहने पर ही मैंने ये सब शुरू किया था और आज मुझे उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी रानू भीमा से मिलने आता है। अरे भीमा, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारा काम ठप हो गया? हाँ, तुम्हारे ही कहने पर मैंने सस्ता और घटिया सामान खरीदना शुरू किया था और लालच में आकर मुझसे यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कमाई का कोई और जरिया भी नहीं है, अपने घर को कैसे चलाऊं? तुमने मुझे बहुत ही गलत सलाह दी थी। उसकी बातें सुनकर रानू अपना पल्ला झाड़ने लगता है। अरे सारा दोष मुझे क्यों दे रहे हो, लालच तुम्हारे मन में ही आया था। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि इतना घटिया सामान खरीद कर लोगों को खिलाओ? भीमा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। देखो अब रानू ने कैसी पलटी मार ली, मेरे दिमाग में सारा लालच रानू ने भरा था, अब कैसे अनजान बन रहा है। परंतु गलती मेरी ही है, उसकी बातों में आकर मैंने अच्छे भले काम को और रोजी रोटी को लात मार दी। देखो आप हिम्मत मत हारो, आपसे गलती हुई है तो उसका सुधार करो। आप पंचायत में जाकर सबसे माफ़ी मांग लो और उनसे कहना आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। भीमा अपनी पत्नी की बात मानकर अगले ही दिन पंचायत में जाता है। देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपने दोस्त की बातों में आकर सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल करना मैंने शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा नुकसान होगा, वरना इतने सालों से मैं पानी पूरी बेच रहा हूँ, क्या कभी किसी को शिकायत हुई? बस इस बार ही मुझसे गलती हो गई, जिसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा से ऐसी गलती मेरे से कभी नहीं।
नहीं होगी। मैं हमेशा अच्छा और ताजा सामान ही इस्तेमाल करूंगा और कभी भी लालच नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। और उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। देखो भीमा, तुम कई सालों से यहाँ काम कर रहे हो और कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार तुमसे गलती हो गई है, परंतु अच्छी बात है कि तुम उसे मान रहे हो और उसे सुधारने का वादा कर रहे हो, तो हमें तुम्हें एक मौका दे देना चाहिए। आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा न हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा, थोड़े में ही खुश रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे माफ कर दिया। इसके बाद भीमा दोबारा से पहले की तरह पानी पूरी का ठेला लगाने लगा और पहले की तरह ही अच्छा और ताजा सामान इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद दोबारा से लोग उसके ठेले से सामान खाने लगे और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई।